जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2022 का 24वां मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले को गुजरात की टीम ने 37 रनों से जीता और 37 रनों से जीतने के बाद इस मैच में रोहित शर्मा के ऊपर हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसा कहा कि सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हार्दिक पांड्या कहते हैं कि हमारी पूरी टीम खूब मेहनत कर रही है और हम लगातार एक एक मुकाबले को जीतने के लिए लगे पड़े हैं। हमें इस बार आईपीएल में इतिहास रचना है और हमारी पूरी टीम चाहती है कि इस बार का आईपीएल 2022 का खिताब हम अपने नाम ही करें और इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और वो कड़ी मेहनत करने के लिए हमारी टीम का एक एक खिलाड़ी सामने जरूर आएगा। तो वहीं आगे बात करते हुए हार्दिक पांड्या कहते हैं कि मुझे कुछ क्रैम्प्स आए थे लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगले मुकाबले में मैं अपनी पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करूंगा। तो वहीं आगे बात करते हुए वो कहते हैं कि अगर हम गुजरात टाइटंस की टीम को जीत दिला पा रहे हैं वो बस इसीलिए क्योंकि हमने मुंबई इंडियंस की टीम के साथ जितने भी पल बिताए हैं हमने वहां से बहुत कुछ सीखा है और उन सभी बातों को सीखने के साथ ही मैंने उन सब को अपनी कप्तानी में अप्लाई करा है जिसका नतीजा हम सभी को देखने के लिए मिल रहा है। और हालांकि यहां पर हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा की खूब तारीफ करी और बताया कि अगर वो ऐसी कप्तानी कर पा रहे हैं तो वो बस मात्र रोहित की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांड्या का ये बयान तो सुनने के बाद आप भी जरूर खुश हो गए होंगे। हालांकि अब हम आपको पूरे मैच का हाल बताएं तो इस मुकाबले में दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन उन्होंने बनाए थे और राजस्थान रॉयल्स की टीम को 20 ओवर में 193 रन इस दौरान बनाने थे लेकिन वो बस मात्र 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना सकी जिसके चलते इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने हाथों से गंवा दिया और गुजरात टाइटंस की टीम को इस मुकाबले में 37 रनों से जीत मिली जिसके चलते अब गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप के स्थान पर भी आ चुकी है और ये देखकर गुजरात के फैंस को काफी बड़ी खुशखबरी भी मिली है। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम के बारे में और आप क्या मानते हो, क्या इस साल हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस की टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वहीं दूसरी तरफ निकल कर आती है गुजरात टाइटंस और ऐसे में इस मैच का नतीजा देखने के लिए हर एक फैंस के अंदर उत्सुकता है। तो वहीं हम आपको बता दें कि एक छोर पर जहां संजू सैमसन अपनी टीम की कमान संभालते हुए अपनी टीम को लगातार और निरंतरता से आगे लेकर जा रहे हैं तो वहीं ठीक उसी तरह से हार्दिक पांड्या जी जान लगा रहे हैं और टीमों के खिलाड़ियों से अधिकतम मेहनत करवाने की पूरी कोशिश। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।